Assalamualaikum मैं YouTube Family कैसे आप सब लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे सो वेलकम बैक टू अनदर vlog और आज का जो vlog है वो मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था जीगा बर्गर और उसके साथ बिरयानी ऑर्डर कर ली थी तो वो खा रहे थे और ये एक डील थी शायद इससे पहले ब्लॉग में भी मैंने आप लोग को दिखाया था तो उस वक्त भी यही डील मंगवाई थी और आज भी क्योंकि ये डील बहुत मज़े की होती है और वहाँ पर हम लोग इंजॉय कर रहे थे और मज़ेदार सी बिरयानी होती ही फेवरेट है कुछ रात में हमारे दाल बनी थी तो उसके बाद पेट नहीं भरा था तो फिर दिल चाहता है कि अच्छा सा खा लें तो भूख लग जाती है रात में जब आप जाग रहे होते हैं तो फिर ऑर्डर ही कर लेते हैं कुछ ना कुछ और फिर यहाँ पर मैंने पास्ता बनाया था और ये मज़ेदार सा सिंपल सा पास्ता है इसके अंदर मैं प्याज और टमाटर का भी यूज़ करती हूँ तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो बहुत मज़ेदार सा टेस्टी सा पास्ता है और इसके लिए आप इसमें बंद गोभी नहीं डालती मैं सिर्फ गाजर और शिमला मिर्च डालती हूँ तो पहले प्याज को फ्राई कर लें आप उसके अंदर टमाटर डाल लें फिर उसके अंदर आप स्पाइसेस डाल लें जैसे ब्लैक पेपर तिक्का मसाला सॉल्ट और फिर आप उसके अंदर वेजिटेबल्स डाल के नमक डाल के चिकन पाउडर डाल दें और जब वेजिटेबल और जब वेजिटेबल्स कुक हो जाएँ तो उसके अंदर फिर आप लोग सारे जब वेजिटेबल्स कुक हो जाएँ तो आ, इसके अंदर केचप और माइंडिंगस वगैरह डाल के मिक्स कर लें अच्छी तरीके से और फिर आप लोग इसके अंदर तह लगा दें तो वो बन जाएगी मेक्रोनिंग बहुत मज़े की और इससे पहले फिर यहाँ पर ये है आलू कोफ्ते और बहुत मजे के बने थे बहुत टेस्टी बने थे वहीं बनाए थे तो ये सब ने बहुत शौक से खाए और इन्जॉय करके खाए तो यहाँ पर मैं इसको मैंने इसके इसके साथ दही का रायता बनाया था सिंपल जिसके जिसके अंदर मैंने डाली थी ब्लैक पेपर ज़ीरा पाउडर और इसके अंदर मैंने रेड चिली डाली थी और सॉल्ट तो ये मज़ेदार सा रायता बन गया था आप लोग बताइएगा आप लोग को आ, सालन के साथ रायता पसंद है यानी मुझे बहुत पसंद है मैं कोफ्ते और कढ़ाई वगैरह के साथ बहुत पसंद करती हूँ रायता दही का तो बहुत मज़ेदार से कोफ्ते बने थे और बहुत दिन बाद बने थे तो अच्छा कोई चीज़ बहुत दिन बाद बनती है तो और ज़्यादा मज़े की लगती है और खाने में इंटरेस्टिंग बहुत मज़ा आता है खाने में तो वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ शॉपिंग शेयर कर रही हूँ तो पहले मैं गई थी कुछ कुर्तियाँ बाय करने तो उस वक्त मैं दिखा नहीं सकी थी आप लोग को और मैं वहाँ की क्लिप बना पाई थी तो मैंने सोचा था आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने क्या बाय किया तो ये खाड़ी की कुर्ती है और ये बहुत ही अच्छी कुर्ती है और आप लोग देख सकते हैं इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और ये मैंने बाय कर ली थी और बिल्कुल तो रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी ये तो पर्पल कलर है और यूनिक सा कलर है मतलब कम ही पहनने में आता है और लेकिन इस बार मैंने ले ली और इसका कंप्लीट डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ अपनी किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी और अगर आप लोग को ड्रेस डिज़ाइनिंग पसंद आती है तो मुझे बताया करें क्योंकि मुझे ख़ुद बहुत शौक है ड्रेस डिज़ाइनिंग करने का तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी और मैं अपनी कुर्ती जो भी कपड़े सिलवाती हूँ उसको बहुत डिज़ाइन करके सिलवाती हूँ तो यहाँ पर यह है ये बहुत इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है मैं आप लोग के साथ किसी वीडियो में फुल हैंग करके इसको और इसका डिज़ाइन आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगी कि मैंने इसको किस तरीके से सिलवाया है तो आप लोग मैं पिक्चर ले लिया और आप लोग को अगर अपनी कोई कुर्ती या सूट ऐसे सिलवाना हो तो आप लोग सिलवा सकते हैं एक आइडिया मिल जाता है तो शेयर करूँगी मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में फिर यहाँ पर यह है नेक्स्ट डे का क्लैप और नेक्स्ट डे मैंने बहुत अच्छी सी सैलेड बना ली थी आप लोग देख सकते हैं कितनी प्रेजेंटेशन के साथ बनाई बनाइए तो ज़रूरी नहीं है कि कोई मेहमान आ रहे हो जब भी हम प्रेजेंटेशन करें अपने घर वालों के लिए भी अच्छी सी कोई चीज़ बना सकते हैं तो यहाँ पर सैलेड लीफ लगा कर मैंने सारी वेजिटेबल्स जैसे कोकम्बर है टमाटर है इसके अंदर इसके अंदर गाजर है और इसके अंदर प्याज़ है और मूली इन सब चीज़ों को मैंने गोल गोल काट लिया था और ये इतनी प्यारी लग रही थी और मुझे सैलेड बहुत पसंद है ख़ास करके राइस के साथ तो और ही मज़े की लगती है तो यहाँ पर ये राइस बने थे क्योंकि कल जो कोफ्ते बने थे वो बच गए थे और उसको यूटिलाइज़ कैसे किया जा सकता है उसको इसी तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है कि आप उसके कोई चावल डाल दें आप उसमें तो यहाँ पर इसमें हमने बिरयानी टाइप के कोफ्ते कोफ्ता बिरयानी बन गई थी कुछ इस तरह की घर के मसाले की बनाई थी और इसमें तो हमने मटर भी डाल दिए थे और सैलेड तो थी तो उसके साथ बहुत मज़ेदार सा खाना हो गया था दोपहर का सबने बहुत इन्जॉय करके खाया है अच्छा आप लोग के पास कोई सालन बचे तो उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करा करें कि उसको उसमें राइस डाल दें और यकीन जाना इतने मज़े का टेस्ट आता है उसका जो फ्लेवर है और ही इनहेंस हो जाता है कोई सालन कौरमा हो तो उसकी बिरयानी उसकी भी बिरयानी बन सकती है कढ़ाई हो तो उसकी भी बन सकती है तो बहुत मज़ेदार से बन गया था और इसके अंदर हमने मटर डाले और ये कोफते आप लोग तो को दिखा रही थी मैं कोफ्ते बहुत मज़े के बने थे बहुत टेंडर थे अच्छा एक टिप दूँ मैं आप लोग को जब कोफ्ते कीमा कोफ्तेम ग्राइंड करते हैं ना उसके अंदर दही का ना जो मलाई होती है वो डाल दें उससे तो बहुत नरम और मज़ेदार से बन जाते हैं तो वो हमने डाल के बनाया था और बहुत मज़ेदार से हम खा रहे थे सब और ये देख ले सकते हैं आप लोग सैलेड की मैं इतनी शौकीन हूँ मुझे दिन में तीन बार खिला दें मैं खा लूँगी लेकिन सैलेड सिर्फ सुबह खानी चाहिए यानी लंच में खानी चाहिए डिनर में नहीं खानी चाहिए तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग जो है कि आपको पसंद आएगा लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग